आज हम खड़े हैं बस्ती जनपद के राम जानकी मार्ग गौसपुर बाजार में। ये है महादेवा विधानसभा क्षेत्र। यहाँ से आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की रैली बस्ती में है। इसके लिए आप जनता को देख सकते हैं, बड़ी संख्या में लोग बस से यहाँ से रवाना हो रहे हैं। आइए हम जानते हैं, लोगों के अनुसार यहाँ से 3 बस निकल चुके हैं, लगभग 1200 के आसपास लोग यहाँ से वहाँ के लिए रवाना हो रहे हैं। ये ऐतिहासिक रैली होगी। हमारे साथ ये तमाम कार्यकर्ता खड़े हैं जिनके नेतृत्व में यहाँ से बस रवाना हो रही है, जो है अभिषेक सिंह। तो हम जानना चाहते हैं कितने लोग रवाना हो रहे हैं। मैं अपने क्षेत्र के सभी ग्रामवासी एवं क्षेत्रवासी बड़े बुजुर्गों, भाई बहनों, माताओं को धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ कि मोदी जी को सुनने के लिए बड़ी से बड़ी तादाद में यहाँ बस, ट्राली, टेम्पू और फोर व्हीलर से भारी संख्या में भरकर जा रहे हैं। हमारे छोटे तबके के लोग, दलित समाज के लोग, पिछड़े समाज के लोग, सामान्य समाज के लोग, जो भी लोग हैं मोदी जी के योजना से, योगी जी के योजना से प्रभावित होकर बड़ी से बड़ी तादाद में मोदी जी के पॉलिटेक्निक मैदान में पहुंचकर वहां मोदी जी का सम्मान बढ़ाएंगे, उनकी बातों को सुनेंगे और आके अपने विचारों को अपने क्षेत्र में, जो भी हमारी बहनें, हमारी माताएं, हमारी गांव घड़ी की बहुएं नहीं जा पा रही हैं, उनको आके बताएंगे, उनको भी बीजेपी के पक्ष में मतदान करने के लिए कहेंगे। आपको कितना अनुमान है, कितने लोग यहाँ से निकल रहे हैं? यहाँ से हमारे गौसपुर क्षेत्र से फेटवा कर्मी, जो भी 2-4-5 ग्राम पंचायत क्षेत्र के लोगों से कम 2-2.5 हज़ार की संख्या में पॉलिटेक्निक के मैदान में पहुँचने का लक्ष्य बनाए हैं। अब आप बताइए, 3 मार्च को मतदान है, क्या लग रहा है आपको? 3 मार्च को मतदान है। इसमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि हमारे जो उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार की योजना है, घर घर तक पहुंची है। किसी को किसी भी भेदभाव में नहीं रखा गया, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, पिछड़ा हो, चाहे सामान्य वर्ग के लोग हो, सबको एक साथ किसान, चाहे किसान सम्मान निधि हो, चाहे आवास हो, चाहे राशन हो, चाहे आयुष्मान भारत कार्ड हो, चाहे जो भी योजना हो, घर घर तक पहुँचा है। हर आदमी को लाभ मिला है। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जो ये नहीं कह सकते हमको 1 रुपये का लाभ नहीं मिला सरकार से। और हमारा ये लक्ष्य है कि अब की बार योगी जी पुनः सरकार बनने जा रहे हैं और सरकार बना के जो भी आतंकवाद है और यहाँ पे लूट घसोट हो रहा है, सब तीव्र रूप से बंद हो गया। आज ये राम जानकी के पावन धरती पे हम लोग खड़े हैं, जहाँ पे सीता जी गई थी इस रोड से, उस रोड पे खड़ा होकर आज हम लोग राम जी के जो मंदिर बनवाए हैं उनके बराती बन के फिर से हम लोग जा रहे हैं और योगी जी की सरकार पुनः बनाएंगे, मोदी जी की बात संतुष्ट रूप से सुनेंगे। जय श्री राम, जय श्री राम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। लक्ष्य हमारा योगी दोबारा, लक्ष्य हमारा योगी दोबारा, लक्ष्य हमारा योगी दोबारा, जय श्री राम, जय श्री राम। अब तक आप देख रहे थे, इन लोगों में काफ़ी उत्साह देखने को मिल रहा है और ये ऐतिहासिक रैली होने जा रही है, बड़ी संख्या में यहाँ से लोग निकल रहे हैं। तब तक के लिए आप देखिए अगला वीडियो।